जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2021 अक्टूबर में अमृतकाल शब्द का प्रयोग किया गया था, इसका अर्थ है कि ये जो आगे के 2021 से आगे के 25 वर्ष हैं उसमें भारत इस प्रकार प्रयास करे कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बन सके, अपने पुरानी जो गुलामी की पहचान है उसको भी छोड़ कर एक नए और पूरे विश्व में एक शक्तिशाली जैसे कि वो प्राचीन समय था उस रूप में वो उभर सके। तो यही 25 वर्ष जो है उन्हें अमृतकाल कहकर संबोधित किया जाता है और इसी अभियान के तहत इस बार मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू किया गया है। आज से उसकी शुरुआत है और आज हम लोग पंच प्रण लेंगे। ये पंच प्रण क्या है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। पहला है विकसित भारत का लक्ष्य। भारत गरीबी अशिक्षा कुपोषण ये सब पीछे छोड़कर भारत एक विकसित और सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरे। दूसरा गुलामी के हर अंश से मुक्ति हो। गुलामी आप सभी जानते हैं एक 200 साल का हमारा एक गुलामी का इतिहास है जिसमें दुर्भाग्यपूर्ण ब्रिटिश के अधीन थे। उस पहचान को हमें मिटा देना है। उसकी हर जो उसकी पहचान है जो उसकी अभी भी कोई छोटी निशानी है वो खत्म करके हमें एक अपना जो भारत का स्वतंत्र अस्तित्व था उसको फिर से आगे लाना है। अपनी विरासत पर गर्व करना है। विरासत मतलब जो हमारी अपनी देश की ख्याति है जो हमारी संस्कृति है उस पर हम गर्व करें और सिर्फ पाश्चात्य नकल या विदेशों की नकल में ना लगे रहें। और इसी के साथ एकता और एकजुटता, सारे भारतवासी एक रहें एकजुट रहें और अपने को एक भारतवासी के रूप में पहले पहचाने और अपनी विभिन्नताओं को भूलें। और नागरिकों में कर्तव्य की भावना, हम सब अपने अधिकारों पर ज़्यादा जोर देते हैं लेकिन अगर हर नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन करे तो दूसरे के अधिकार उसको खुद से मिल जाएंगे। इसलिए नागरिकों में कर्तव्य की भावना, ये पांच जो प्रण हैं ये हम आज लेंगे और सब सारे बच्चे इसको पूरे जोश के साथ लेंगे। रितम्रा मैम आपको शपथ देते हैं।